ओके बेटा क्लास सिक्स ले लो गेट एक्सरसाइज 8.1। सर आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। सर आपकी आवाज कट रही है। यस बेटा वॉइस प्रॉपर जा रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। सर कट रही है। कट रही है वॉइस क्लियर? सर आप आ रही है। ओके सर आ रही है। नंबर 23 प्लीज लुक एट दिस। Locate the following pairs of decimal numbers on a number line. For each pair, identify which number would lie to the right. आपको क्या करना है, जो pairs of decimal numbers यहाँ पे given है, इनको first of all you have to locate on the number line. सबसे पहले क्या करना है, इनको number line से locate करना है. Then after you have to check which number lies to the right of other. Okay? Yes, sir. Point number KP. Let's see, have to identify, sorry, locate the following pairs of decimal numbers on a number line. For each pair, identify which number would lie to the right. आपको डेसिमल पेयर्स ऑफ नंबर्स यहाँ पे गिवन है, इनको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना है. लेट्स से यहाँ पे पॉइंट नंबर ए गिवन आपका, जिसमें पेयर्स ऑफ डेसिमल नंबर्स हैं 5.67 कमा 5.76. ओके बेटा, आप जानते हो बोथ आर द नंबर लाइज बिटवीन 5 एंड 6. किन तो होल नंबर के बीच में दोनों नंबर लाइज करेंगे, जो डेसिमल नंबर पेयर ऑफ डेसिमल नंबर यहाँ पे गिवन है, ये किन दो होल नंबर के बीच में लाइज करेंगे, बिटवीन 5 एंड 6 किसके बीच में? यस सर, 5 एंड 6. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 और 6 के बीच में लाइक करते हैं, यहाँ पे आप करते हैं नंबर लाइन से लोकेट करने के लिए हम 5 यहाँ पे एक होल नंबर यहाँ पे 5 राइट करते हैं और देन आफ्टर यहाँ पे 6 राइट करते हैं. ओके, और इनके जो प्लेसेज हैं, इन प्लेस इनके जो स्पेस है इनके बीच का, उस स्पेस को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. कितने इक्वल पार्ट में? 100 इक्वल पार्ट में. ओके, यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 6. हमने क्या किया, 5 और 6 जो यूनिट प्लेसेस के डिस्टेंस है इसको क्या 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया. इस प्लेस की जो भी स्पेस था इसको क्या किया हमने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया. नाउ वी हैव टू लोकेट 5.67 एंड 5.76 ऑन दिस नंबर लाइन. ओके, अभी क्या करना है हमें, इस नंबर लाइन से 5.67 एंड 5.76 लोकेट करना है. तो इसके लिए क्या करते हैं, 5.67 मींस 5, देन आफ्टर 67 स्मॉल मार्किंग को टेक करना है. ओके, यहाँ पे आपका 50 हो गया, ये देना 60 हो गया. ओके, यहाँ से 60 हो गए, हमें क्या करना है, 7 स्मॉल मार्किंग को और गेन करना है. इफ वी वांट टू लोकेट 5.67 देन वी हैव टू टेक 50 प्लस 7 पॉइंट, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी क्या करना है, 5.67 लोकेट करना है. यहाँ पे 5.61, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7 यहाँ पे 7 मार्किंग पे, जहाँ पे 7 हमने मार्क किया है वो हो गया 5.67, इसको लोकेट कर रहा है. ओके, बातें क्लियर हो रही है ना आप लोगों को? यस सर. बेटा सेम एज यू हैव टू रिप्रेजेंट 5.76. अभी क्या करना, 5.76 यहाँ पे सेम एज 7, 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये आपका होगा 5.7. सर आपकी आवाज कट कट कर आ रही है बेटा, आपके यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क की, बाकी लोगों को वॉइस क्लियर जा रही है, ओके? तो आप थोड़ा सा वेट कर लिया करो, हो सकता है बाद में क्लियर हो जाए, है ना? महक अविरल आपके यहाँ क्लियर है ना? प्रॉपर वॉइस आ रही है ना? सुमन आप मुझे सुन पा रहे प्रॉपरली? प्रिया यस सर, यस बेटा सेम एज यू हैव टू नाउ यू हैव टू टेल व्हिच नंबर वुड लाइक टू द राइट 5.76 और 5.67. आप यहाँ देख सकते हो कौन सा नंबर राइट में लाइक कर रहा है, 5.76 लाइक टू द राइट ऑफ 5.67, ओके? यू कैन से हियर फाइव और जो भी दैट नंबर लाइन, यस बेटा वॉइस प्रॉपर जा रही है मेरी? यस सर आ रही है। इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे, 5.76 लाइक टू द राइट ऑफ 5.67, वी कैन सी हियर, ओके? यहाँ देख सकते हैं बाय दिस नंबर लाइन 5.676 लाइक टू द राइट ऑफ 5.67, ओके? यस सर, यस सर। यहाँ से पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, 5.76 लाइक टू द राइट ऑफ 5.67, यही आपका क्वेश्चन आस्क किया गया था, व्हिच नंबर लाइक टू द राइट ऑफ अदर, ओके? यानी यहाँ पे कौन सा नंबर दूसरे के राइट में लाइक करता है, 5.76 लाइक टू द राइट ऑफ 5.67, ओके? यस सर, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट सेम एज यू विल सॉल्व द रिमेनिंग ऑफ इट्स टू क्वेश्चन, यानी इसके जो बचे हुए दो क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे। नाउ पॉइंट नंबर S1, फिल इन द मिसिंग नंबर्स टू कंप्लीट ई सीरीज। आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मिसिंग नंबर्स हैं, उनको फिल करना है टू कंप्लीट ई सीरीज, यानी सीरीज कंप्लीट करने के लिए जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको फिल करना है। चलिए देखते हैं, let's say you have to represent, sorry, fill in the missing number to complete each series. Here is the first point, as on the first point jo a number mein given kya hai beta, yahan pe inhone points diye hain jo 7.1, 7.2, then after a space, to yahan pe fill kar sakte ho na, series ko complete karna hai, sequence ko observe karna hai, then after jo required hoga wo fill kar lenge. 7.1, 7.2, then after miss कर रहा है यहाँ पे कोई number, 7.4, 7.5, same as miss कर रहे हैं यहाँ पे number, तो देखो 7.1 after 7.2 after 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, same as dot dot, you have to write here, okay? बेटा जो नंबर गिवन है उन सीक्वेंस को आप ऑब्जर्व करते हैं तो क्या आएगा, 7.1 after 7.2 गिवन है यहाँ पे, तो देन आफ्टर 7.3 होगा, क्या होगा, 7.3, देन आफ्टर 7.4 गिवन ही है यहाँ पे, 7.5 गिवन है, जो मिस कर रहे हैं वैल्यू वहां पे 7.6 होगा, 7.7 होगा, 7.8 होगा, 7.9 की बनना है वहां पे, ठीक है? तो ऐसे करने में yes, एट आएगा, yes, 7.9 आफ्टर एट चीज और 7.9 आफ्टर क्या होगा, 8.0, क्या आएगा, 8.0, 8.0, 7.9 आफ्टर क्या होगा, 8.0, ओके? यस सर। पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं, इसमें क्या सीक्वेंस गिवन है उसको देखते हैं, 2.10, 2.11, 2.1,
टू आर से सेम आंसर फिल करना है आपको. यू विल सॉल्व इट. ओके यू विल सॉल्व दिस बेटा. यस सर. कर लोगे ना? यस सर. नाउ पॉइंट नंबर इसको सॉल्व करोगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर एस टू. ओके इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? पॉइंट नंबर एस वन में किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को आस्क करना हो? नो सर. ओके देन आफ्टर पॉइंट नंबर एस टू. एस टू इसमें ऑन अ नंबर लाइन द यूनिट डिस्टेंसेस बिटवीन टू एंड थ्री इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. द फिफ्थ डिवीजन फ्रॉम टू डिनोट द डेसिमल नंबर. द फिफ्थ डिवीजन फ्रॉम टू. चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं, देन आफ्टर चेक करके बताते हैं क्या डिनोट करता है. इन्होंने कहा द फर्स्ट एक सेकेंड पॉइंट नंबर एस टू की बात कर रहे हैं ना. ऑन अ नंबर लाइन द यूनिट डिस्टेंस बिटवीन टू एंड थ्री इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. द फिफ्थ डिवीजन फ्रॉम टू डिनोट द डेसिमल नंबर. देखो यहां से क्या किया गया, टू एंड थ्री के बीच के जो नंबर्स हैं नंबर लाइन पे इनको जो बीच का डिस्टेंस है उसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया. 100 इक्वल डिविजन किए गए इसमें. ठीक है टू एंड टू. टू एंड थ्री. ओके इनके बीच का डिस्टेंस yes, है उसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया. तो 100 इक्वल पार्ट में यहाँ पे 10 होगा, यहाँ 20 होगा, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70, 80, 90, 100. अब इन्होंने क्या किया बेटा, इसमें आज किया है द फिफ्थ डिवीजन फ्रॉम टू डिनोट द डेसिमल नंबर. द फिफ्थ डिवीजन फ्रॉम टू डिनोट द डेसिमल नंबर. यानी यहाँ टू से स्टार्ट करते हैं तो फिफ्थ डिवीजन आएगा. यानी फाइव नंबर पे वो कौन से डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पहले क्या करते हैं इसके यूनिट डिस्टेंसेस को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके यूनिट डिस्टेंसेस को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. सॉरी 10 यानी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो अब इसको हमने डिविजन यहाँ पे शुरू कर दिया. सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब इन्होंने कहा जो फिफ्थ डिवीजन होगा वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? आप जानते बेटा ये जो फिफ्थ डिवीजन है एग्जैक्टली 2.01 को रिप्रेजेंट करेगा. अगर फर्स्ट डिवीजन की बात करें तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2.01? बिकॉज 2.1 तो यहाँ ना 10, 2.01 बिकॉज ये 2.10 यहाँ पे है. अगर हम यहाँ पे ऐसा राइट कर देते 2.1 तो रॉन्ग हो जाता. बिकॉज ये 2.1 यहाँ पे है 2.10. तो आपने अगर इसको बात किसके लिए बात करना है तो इसमें इस 2.2 आफ्टर जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो होगा 2.01. ऐसे फिफ्थ डिवीजन की बात कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो फिफ्थ डिवीजन रिप्रेजेंट करेगा 2.05. क्या होगा आंसर? 2.05. 2.05. ओके फिफ्थ डिवीजन कौन से डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी? 2.05. यस सर. देखिए 100 पार्ट में तो करना कितने पार्ट? 5 पार्ट. तो 5/100 ऐसे तो ऐड करेंगे. अगर हमें ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम कितने पार्ट को टेक करना है? 5 पार्ट आउट ऑफ 100. आउट ऑफ 100 यही तो यस सर. 5 पार्ट आउट ऑफ 100 यानी 100 में
फाइव पार्ट ए करना है तो क्या आएगा आंसर? इसके लिए अगर राइट करना चाहते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो क्या डबल जीरो तो टू डिजिट का पॉइंट लगेगा, 0.05 आंसर इसमें क्या आएगा, 0.05 और टू से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब आंसर होगा 2.05 आंसर क्या होगा 2.05 ओके यस सर यस सर Then the first division before four stands for. देखिए इनका कहने का जो सेंस है मैं बता दूं क्या कहना चाह रहे हैं इन्होंने आज क्या किया है. लेट्स सी यहाँ पे थ्री और फोर होता थ्री एंड फोर. नेक्स्ट पॉइंट नंबर की बात कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर एस सी की. यस सर. थ्री एंड फोर होता बेटा. अब इन्होंने कहा उस कौन से डेसिमल नंबर को डिवीजन रिप्रेजेंट करेगा जो जस्ट बिफोर द फोर हो, यानी फोर से तुरंत पहले हो. फोर से तुरंत पहले जो होगा यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नाइन्थ नंबर पे जो होगा आफ्टर 90 है ना, आफ्टर 90 नाइन्थ पे होगा वो जस्ट बिफोर फोर होगा. फोर से पहले क्या होगा जो 90 के आफ्टर नाइन्थ पे होगा है ना, वही तो जस्ट बिफोर फोर होगा. इन्होंने आज क्या जस्ट बिफोर फोर यानी फोर से जस्ट बिफोर होना चाहिए, तो ये आपका जो यहाँ पे होगा 99 यानी एग्जैक्टली आंसर होगा 3.99. आंसर क्या आएगा यहाँ के लिए, आंसर क्या होगा 3.99 जस्ट बिफोर फोर होगा. ये वो वैल्यू है जो जस्ट बिफोर फोर है, इट स्टैंड फॉर 3.99 ओके. यस सर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर F4. On a number line, divide the unit distance between 5 and 6 into 10 equal parts and label each of them. नंबर S4 की बात कर रहे हैं, सॉरी S4 ही है, हाँ S4 की बात कर रहे हैं. इसमें इन्होंने स्टेटमेंट में जो दिया है बेटा, करें ऑन अ नंबर लाइन डिवाइड द यूनिट डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड 6 इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड लेबल ईच ऑफ देम. लेट्स सी ये आपका नंबर लाइन है 0 यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 that's one. Okay? अब कह रहे हैं इस unit distance को 5 and 6 की unit distance है, इसको 10 equal parts में divide कीजिए. इसके unit distance को कितने equal parts में? 10 equal parts में. तो 10 equal parts में divide करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको क्या किया गया, 10 इक्वल पार्ट्स में इसके यूनिट डिस्टेंस को डिवाइड कर लिया गया. नाउ लेबल ईच ऑफ देम, सारे की वैल्यू बताना आपको. फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर इसकी बात कर लें तो 5 एंड 6 के बीच में जो 0.1 है वो क्या रिएक्ट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा 5.1. सेम एज 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. ओके 5.9. समझ आ रही है ना, ऐसे ही करना. यही आज किया गया था क्वेश्चन में S4 में, आप कर भी लेंगे ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर A4 A1 सॉरी
The next point is point number 11. The minimum and maximum temperature of a day are 16.4 degrees Celsius and 18.9 degrees Celsius respectively. Represent the temperatures on a number line. The minimum and the maximum temperature of a day are 16.4 degrees Celsius and 18.9 degrees Celsius respectively. Represent the temperatures on a number line. क्या करना है? दोनों temperatures को number line पे represent करना है तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आपको only ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा जिसमें आपको जो डेसिमल वैल्यूज हैं 16.4 एंड 18.9 इन दोनों डेसिमल वैल्यूज को नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना है. विल यू सॉल्व दिस? विल यू डू बेटा? यस सर. करोगे इसको? यस सर. यस सर. करना क्या है? थोड़ा सा नंबर लाइन लॉस कर लेना, मतलब और नंबरिंग थोड़ा सा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 थोड़ा सा स्पेस कम कर देना है नंबर के बीच में, स्पेस कम करके और ऐसे 18, 19, 20 यूनिट डिस्टेंसेस को वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है? देन आफ्टर 16 और 17 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना और 19 एंड 20 के बीच का जो डिस्टेंस और यूनिट डिस्टेंस का जो है उसको टेरिकल पार्ट में याद कर लेना. कर लेंगे आप? ओके. यस यस. नंबर पॉइंट नंबर 82. इन अ शॉप the discount offered on a bag and geometry boxes are ₹56.25 and ₹15.85 respectively. Represent the amount on a number line. Point number 82 की बात करें, in a shop the discount offered on bags and geometry boxes are 56.25 and 15.85 rupees respectively. Represent the amount on a number line. लेट्स सी, यहाँ से हमें लार्ज नंबर रिप्रेजेंट करना है तो जीरो, ये आपका टेन यहाँ पे मान लेते हैं डायरेक्ट टेन. ठीक है? टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, सिक्सटी, सेवेंटी, एट्टी, बड़ा डन. सो ऐसे ही तो करेंगे. अब लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहां तक ऐसे नंबर ऐसे, इसलिए हम क्या करते हैं टेन बेस नंबर ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे. टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, सिक्सटी, सेवेंटी, एट्टी ऐसे कर लेंगे. ओके? अब जो नंबर रिप्रेजेंट करने वो क्या क्या है, इसमें रुपीज गिवन है, रुपीज 56.25 है, रुपीज 56.25 एंड कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स है रुपीज 15.85. दोनों वैल्यूज को यहाँ पे क्या करना है, आपको जो बोथ वैल्यूज गिवन है इनको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले हम 56.25 की बात करते हैं. ओके? इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं 56.25 को ऑन दिस नंबर लाइन वी हैव टू रिप्रेजेंट. ओके? चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे करना. बातें समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर. यस सर. यस सर. पहले मैं क्या किया है, यूनिट डिस्टेंस को 10 बेस लाइन 10 बेस नंबर से ड्रा कर लिया. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. देन आफ्टर क्या करना है आपको, 56.25 सर्च करना है. चलिए 56.25
आप जानते हो 56.25 एग्जैक्टली किसके किसके बीच में लाई करेगा? 56.25 एग्जैक्टली 56 और 57 इन दो होल नंबर के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जूम करेंगे इसको, इस नंबर लाइन को जूम करते हैं। जूम करने के लिए एक अनदर नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा आपको, इन्हीं के बीच में होगा आपका 56। मान लेते हैं ये 51 है, 52, हमें क्या करना 56, सॉरी 50 एंड 60 के बीच जो यूनिट नंबर डिस्टेंसेस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 10 इक्वल पार्ट में, यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपका 56 एंड 57 हो गया, ये 56 एंड 57 है, इसको ऐसे जूम कर लेंगे यहाँ से। जूम करने पे एक अनदर नंबर लाइन ड्रा करेंगे, जूम करने पे क्या करेंगे, एक अनदर नंबर लाइन ड्रा करेंगे 56 एंड 57 के लिए। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ से हम इस यूनिट डिस्टेंस को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, बिकॉज वी हैव टू सो 56.25 यानी 2500 इक्वल पार्ट में 25 पार्ट को करने हमें, तो इसलिए इसके यूनिट डिस्टेंस को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ से रहेगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, then after 100, okay? अभी क्या करना है, हम 25 parts को करने हैं, 56.25 represent करना है, इन 100 equal parts में 25 parts take करने हैं, कितने? 25 parts take करने हैं, तो इसके लिए वही process simple से repeat करना होगा आपको, 10, 20, then after इसको 10 equal parts में divide करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ से हो जाएगा, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 दिस नंबर इज रिप्रेजेंट टू 56.25। ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। First of all, you have to draw a number line 0 to 80 or 70 something. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 to 70 और 80 distance का unit distance का एक number line draw करते हैं, then हम क्या करेंगे 50 and 60 का जो unit distance है उस unit distance के values को हम zoom करते हैं, जहां पे हमें 56 और 57 find करेंगे। On zooming क्या find करते हैं, 56 and 57 ये zoom किया गया है, देन आफ्टर ये 56 और 57 को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनके बीच का जो यूनिट डिस्टेंस था इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टू रिप्रेजेंट 56.25। ठीक है, सेम एज, यस सर, यस सर, एक अनदर नंबर लाइन ड्रॉ करोगे आप टू रिप्रेजेंट 15.85। अगर यदि आपको 15.85 ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो सेम एज करना है, पहले क्या करेंगे 0, 10 एंड 20, ये 10 एंड 20 इसके बीच के यूनिट डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन आफ्टर 15 यहाँ पे होगा, यहाँ 15 एंड 16 इसके बीच के जो स्पेस है इस स्पेस को जूम करेंगे। ओके, जूम करने के बाद एक अनदर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें 15 और यहाँ पे 16 रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और इसको 100 इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड सेट करके, सॉरी 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके जो वैल्यू शो करना है 15.85 वो शो कर लेंगे. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. सेम आज इधर सॉल्व पॉइंट नंबर 80. इसमें तो बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, एक ही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें हो जाएगा. दोनों टू कंटेनर कैन होल्ड 3.4 लीटर एंड 5.2 लीटर ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली. लोकेट द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर ऑन अ नंबर लाइन. एक ही नंबर लाइन ड्रॉ करना, उसमें 3 and 4 के यूनिट डिस्टेंस के बीच को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. तो वहां पे 3.4 लोकेट कर देना और क्या करना 5.2. 5 एंड 6 का यूनिट डिस्टेंस जो होगा उसके 2 स्मॉल मार्किंग को मेजर करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा 5.2. ओके, बातें समझ में आ रही है? यस सर. यस सर. यस सर. देन नाउ वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज. ओके, 8.1 यानी इस एक्सरसाइज को करेंगे, जो भी डाउट होंगे वो नेक्स्ट से क्लियर कर दिए जाएंगे. बट आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है? ऑनेस्टली ठीक है. तो आज के लिए इतना रहना देते हैं, नेक्स्ट से मीट करते हैं आप लोगों से. ओके, गो जो और भी क्लास. यस सर. यस यस सर. यस एवरीवन. सर गुड बाय. सर गुड बाय. सर गुड बाय.